पहले तो वेलकम इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं प्रकाश मलिक दिल की गहराइयों से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी सफलता चाहने वाले महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जैसे जानते ही हैं, मैं इंट्रोड्यूस छोटी सी शॉर्ट में बताऊंगा। प्रकाश मलिक नाम है, सिटी बेगूसराय का रहने वाला हूँ। एजुकेशन 7 पास हूँ मैं। मेरे बैकग्राउंड डांस कंटेस्टेंट रह चुका हूँ महुआ चैनल GTV DD1 पे। बिजनेस में सेफ शॉप कर रहा हूँ। टीम साइज अभी 4400 प्लस लोगों की है और इनकम यहाँ से 21 लाख प्लस की है। फॉरेन ट्रिप भी लिया हूँ। और चलिए आगे, ये सारे जो भी अचीवमेंट आज मेरी जिंदगी में हुआ है वो सारे के सारे मैं बताना चाहूंगा कैसे हुआ है। तो आज हमें पूरा का पूरा पता है कि आप लोग सारे एक्साइटेड होंगे कि आज सेफ शॉप में 4400 का टीम कैसे बन गया, आज 21 लाख रुपए का इनकम कैसे आ गया, सर ऑलरेडी आज कई सारे टीवी चैनल पे भी सफल कैसे हो गए। तो सारे का सारे एक ही मुद्दा आता है। मैं चाहूंगा स्लाइड को नेक्स्ट करें। दोस्तों आज का टुडे टॉपिक सीखते रहने की गुण। दोस्तों सीखते रहने की गुण, विश्वास माने जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है या किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी फील्ड हो, एनीबॉडी कोई भी, लिखा गया है कि ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। हमेशा सीखते रहने की आदत, जिज्ञासा, हमेशा अपने आप को चेंज करने की जरूरत होती है। हमेशा हर समय, हर वक्त, हर टाइम, हर महीने, हर साल सीखने का ये गुण अपने आप को डालना ही पड़ेगा, गुण डालना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ड्राइवर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, साइंटिस्ट है, क्रिकेटर है, डांसर्स है, स्टूडेंट है, एक्टर है, डायमंड है। तो दोस्तों ये सारे लोगों का एक सपना होता है और कुछ लोग विदाउट सपने को भी सीखते हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण लिया हूँ ड्राइवर का। एक ड्राइवर को भी अगर ड्राइविंग करना नहीं आता क्या वो जिंदगी में ड्राइव कर पाएगा? लेकिन क्या अगर उसको ड्राइव करना है, चाहे वो साइकिल क्यों ना हो, चाहे BMW क्यों ना हो, 50 लाख रुपए की ऑडी कार हो, चाहे 4000 रुपए की साइकिल भी हो, दोस्तों सीखना तो पड़ेगा किसी भी हाल में। और सीखने की आदत, ये गुण जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप जो चीज चलाना चाहते हो तो जिंदगी में नहीं चला सकते। अगर आपको साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ये गुण डेवलप करना पड़ेगा, तो ही आप साइकिल चला सकते हैं। लेकिन अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फोर व्हीलर भी चला लेंगे। आप फोर व्हीलर भी नहीं चला सकते जब तक आप सीखेंगे नहीं। आपको ड्राइवर का मतलब ये नहीं कि अगर आप ड्राइवर साइकिल के हैं तो आप कार को भी ड्राइव कर लेंगे, आप ट्रेन को भी ड्राइव कर लेंगे, प्लेन को भी ड्राइव कर लेंगे। तो हर एक क्षेत्र में सीखने का गुण होता है। और जो व्यक्ति अपने आप को चेंज करता है, सीखने की आदत डालता है, देख सकते हैं कोई व्यक्ति कार को भी चला लेता है, कोई व्यक्ति BMW को भी चला लेता है, कोई व्यक्ति ट्रेन को भी चला लेता है, इतनी भारी भरकम ट्रेन। लेकिन क्या है, जो व्यक्ति सीखा हुआ रहता है, कहते हैं कि सीख के काम करे तो साइकिल को भी चलाना आसान होता है, ना सीख के काम किया जाए तो फाइटर प्लेन को भी हम उड़ा सकते हैं, ना सीखे तो साइकिल भी पटक देगी। दोस्तों तो हर क्षेत्र में सीखना पड़ता है। अब आप जानना चाहेंगे डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए भी क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो एक डॉक्टर बनने के लिए हमको कौन बढ़िया सिखा सकता है, एक अच्छे डॉक्टर, हाँ कि ना? तो डॉक्टर बनने के लिए भी सीखना पड़ता है, डिग्री को हासिल करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो ही जाकर आप डॉक्टर बन सकते हैं। एडवोकेट, आज वकील की एक ले ले, तो दोस्तों वकील बनने के लिए भी हमको वकील जो व्यक्ति है या एक अच्छे प्रोफेसर हमको सही जानकारी दे सकते हैं और एडवोकेट के लिए ज्यादा प्रोत्साहित और सही जानकारी और सही गाइडलाइन वो दे सकते हैं। तो एडवोकेट बनने के लिए भी सीखना पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति आज ड्राइवर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, वो सीख के ही सारे चीज हासिल किए। साइंटिस्ट भी कोई व्यक्ति बनता है तो साइंटिस्ट को भी बनने के लिए क्या कर सकते हैं? तो साइंटिस्ट अगर डॉक्टर से जाकर सलाह ले या डॉक्टर उसको साइंटिस्ट का पढ़ाई करा पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जो व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है वो अपने सीखने के गुण के वजह से बनता है, पढ़ाई करता है, सीखता है। चाहे वो क्रिकेटर को हम ले ले, एक क्रिकेटर को भी क्या होता है, उनको पढ़ने के जगह क्या करना पड़ता है, लर्न करता पढ़ना पड़ता है, एक कोच के साथ, अपने कोच के साथ पिच पे उतर के वो हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर वो सीखता ही सीखता है और लगातार लगातार सीख सीख के कोई व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बन जाता है और कोई व्यक्ति जो नहीं सीखता है वो फुटबॉल क्या, वो घर में ही खेल के रह जाता है। तो सीखने से कोई व्यक्ति जब भगवान का जगत का, क्रिकेट जगत का सिस्टम बन सकते हैं, सचिन तेंदुलकर साहब गॉड माने जाते हैं, तो एक व्यक्ति सीख कर भगवान भी बन जाते हैं क्रिकेट जगत का और एक व्यक्ति घर में खेल के कुछ नहीं बन पाते हैं। एक डांसर्स बनने के लिए सीखना पड़ता है। जैसे कि मैं पिछले 14 सालों से लगातार 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 2004 से लेकर लगातार लगातार 2008 में आके मैंने सीखा ढेर सारा चीज। लेकिन क्या था, मुझे टीवी पे जाना था, तो टीवी पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मैं बिहार में किसी लोगों ने सलाह दिया कि अगर आपको बड़ी डांसर्स बनना है तो आप मुंबई चले जाओ, बिहार में कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन अगर शायद मेरे साथ ढेर सारे ग्रुप थे
ढेर सारे मेरे फ्रेंड्स थे, वो सारे कोई कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ फालतू चीज ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में जो सीखने का गुण था, मेरे अंदर एक चाहत भरी हुई थी, चाहत, और मैंने डिसीजन लिया सीखने का, नहीं मुझे सीखना है। और कहा गया है कि जितना भी आप सीख सकते हैं, जितनी ऊंचाई पे जाना उतना सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों डांस के लिए मैं मुंबई चला गया, और 2011 में मैं महुआ चैनल पे जब आया था तो मैं फाइनल में पहुंचा था, लेकिन किसी व्यक्ति ने बोला करे महुआ चैनल पे तो कोई भी आ सकता है, तुक्के पे आ सकता है, ये कोई चैनल का कोई वैल्यू होता है। तो मैंने क्या किया, बड़े चैनल के लिए फिर से सीखना शुरू किया, बहुत मेहनत किया, तो क्या हुआ फिर से जीटीवी पहुंच गया। ऐसा नहीं लगा कि मैं जीटीवी पहुंच गया तब मुझे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, मुझे सीखना नहीं चाहिए, तो अपने आप को मैंने गुण डेवलप किया, और सीखना है और सीखना है। फिर 2014 में डीडी वन पे आ गया, फिर कई सारा फिल्म में काम करने का मौका मिला और सीखा। तो दोस्तों मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूं, जितनी सफलता चाहिए, जितनी ऊंचाई पे जाना है, लगातार लगातार आपको सीखते रहने की गुण अपने आप को डालना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आज एक स्टूडेंट को मान लें, एक स्टूडेंट व्यक्ति भी, जब कोई व्यक्ति बच्चे जो होते हैं नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, तो वो जब अपने कोर्स कर लेते हैं तो वन में जाते हैं, वन का पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद टू में जाते हैं। क्यों? अगर टू में जाने के बाद अगर वन की पढ़ाई करे तो क्या होगा, एजुकेशन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, घटेगा। थ्री में जाने के बाद सिलेबस चेंज होता है, क्या है, थ्री का सिलेबस आता है और उसका एजुकेशन डेवलप होता है, पढ़ाई करता है, फोर्थ में जाता है, फाइव में, सिक्स में, टेंथ में, टेंथ कंप्लीट होने के बाद इलेवन ट्वेल्थ में जाता है। अब इलेवन ट्वेल्थ में जाकर थ्री का सब्जेक्ट पढ़ेगा तो मजा आएगा क्या? ट्वेल्थ में जाने के लिए ट्वेल्थ का बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो एक स्टूडेंट अच्छे बनने के लिए हमेशा लगातार 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 पढ़ना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो स्टूडेंट की गिनती में नहीं आएंगे, विश्वास मानिए। जैसे कि एक एक्टर को देख ले, आज एक एक्टर बनने के लिए भी सीखना पड़ता है, एक एक्टर बनने के लिए भी। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टर, पता साहब मैं सीखूंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा। मेरे भाई साहब, आज जितने भी बिग स्टार हैं, चाहे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे सलमान खान, कोई भी एनीबडी, आज इंडस्ट्री में जो भी एक्टर है, किसके वजह से, अपने सीखने के वजह से, अपने गुण के वजह से। हम क्या करते हैं, कई साथी सीखना नहीं चाहते, सीखने की जरूरत क्या है सर, हम तो पहले से सीखे हुए हैं सर, हम तो पूरा एक्सपीरियंस वाले, अनुभव वाले लोग हैं सर। हम कहते हैं आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, लेकिन मेरे भाई साहब मैं बताना चाहूंगा, आज स्टार अमिताभ बच्चन साहब 75 साल के होने के बावजूद भी आज उनको कोई भी फिल्म मिलता है तो 2 बजे रात में, 1 बजे रात में हमेशा लगातार सीखते रहते हैं, एक बच्चों से भी सीखते हैं। एक उनकी मूवी आई थी, फिल्म आई थी पा, और जब उनको फिल्म मिला, मूवी आई थी पा, उनको बच्चे का एक एक्ट करना था, तो अमिताभ बच्चन साहब 2-2 बजे रात में एक बच्चों को देख देख के किस तरीके से उसका व्यवहार होता है और सीखते थे। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आज मैं एक छोटे बच्चों से भी सीखता हूं। तो एक्टर वो इतने सफल व्यक्ति हैं, तो ऐसा नहीं, आज ढेर सारे उनके साथ, ढेर सारे एक्टर एक्ट्रेस आज अमिताभ बच्चन जी के टक्कर में नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब आज भी सीखते हैं 75 साल एज होने के बावजूद भी। अब समझेंगे कि ड्राइवर बनने के लिए सीखने का गुण डालना पड़ता है, डॉक्टर भी गुण डालता है, एडवोकेट भी, आज जो वकील है वो और पढ़ाई करता है ताकि और बढ़िया हम केस जीत पाए, साइंटिस्ट बनने के लिए और पढ़ना पड़ता है, क्रिकेट के लिए और खेलना पड़ता है, प्रैक्टिकल खेलना पड़ता है, प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है, डांसर्स, एक ग्रेट डांसर्स बनने के लिए, कोरियोग्राफर बनने के लिए सीखना पड़ता है, स्टूडेंट बनने के लिए, एक अच्छे बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एक्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है। जिंदगी में जो एक्टर डायरेक्टर को मानता वही एक्टर बन पाता है, और जो व्यक्ति एक्टर डायरेक्टर को नहीं मानता वो कभी जिंदगी में एक्टर नहीं बन पाता है। दोस्तों बात आती है डायमंड का, मात आता है डायमंड का, सेफ शॉप में डायमंड क्यों बने, लोग सारे लोगों को क्यों भी पता है कि मुझे सेफ शॉप में क्यों डायमंड बनना है, कि यहाँ पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, यहाँ पे पैसे की आजादी है, यहाँ पे फॉरेन ट्रिप है, यहाँ पे मान सम्मान है, ढेर सारे चीज पता होने के बावजूद भी लोग जानते हैं, हर एक क्षेत्र के फील्ड से आते हैं, कोई डॉक्टर साहब आते हैं सेफ शॉप ज्वाइन कर लिए, कोई स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया, कोई एक्टर ज्वाइन कर लिया, कोई ड्राइवर ज्वाइन कर लिया, कोई वकील ज्वाइन कर लिया, कोई मास्टर साहब ज्वाइन कर लिए, लेकिन क्या है, सारे लोग अपने अनुभव के हिसाब से परिपक्व, सारे लोग, लेकिन ये सारा एक्सपीरियंस क्या करते हैं, सेफ शॉप पे अनुभव प्रैक्टिकल करते हैं। मेरे भाई आप डॉक्टर हैं तो अपने फील्ड के डॉक्टर हैं, आप उस फील्ड का खिलाड़ी हैं, आप ड्राइवर हैं तो आप अपने फील्ड का अच्छे ड्राइविंग कर सकते हैं, आप वकील हैं तो अच्छे केस को जीत सकते हैं, आप अच्छे डांसर्स हैं तो अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्रिकेटर है तो आप पिच पे अच्छे खेल खेल सकते हैं, स्टूडेंट है तो अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशन बहुत है। लेकिन दोस्तों सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए आपको सेफ शॉप के भीतर आपको सीखना पड़ेगा, सीखने का गुण डालना पड़ेगा,
अगर आप जैसे कि मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा इस पे, था क्या कि एक व्यक्ति था, बोला गुरुजी मुझे जो है ना संगीत सीखनी है। और व्यक्ति का काफी एज था, बोले मुझे संगीत सीखनी है। और एक बच्चा उस गुरुजी के पास पहले से संगीत सीख रहे थे, छोटे बच्चे थे, तो बोला गुरुजी कितना फीस लगेगा। उन्होंने बताया कि आप पहले सीखे हो। बोला गुरुजी हम पहले से बहुत कुछ सीखे हुए हैं, बस थोड़ा बहुत सीखना है, बस थोड़ा बहुत। तो बोला आपको 1,00,000 रुपए लगेंगे। और तो बोला कितना साल लगेगा, बोला आपको 4 साल लगेंगे और 1,00,000 रुपए फीस। उसी बच्चे ने बोला इससे कितने लेते हो गुरुजी आप। बोला ये तो छोटा बच्चा है और इनका फीस बहुत कम है, 25,000 रुपए है। बोला इनको बच्चों को कितने लगेगा वक्त सीखने में। बोला बस इसको ज्यादा नहीं 1 साल लगेंगे, 1 साल। तो था गया, उस व्यक्ति को समझ भी नहीं आया कि गुरुजी ऐसा क्यों बोले। हम टैलेंटेड व्यक्ति पहले से इतने संगीत का जानकारी है, मैं तो थोड़ा बहुत गुरुजी के पास आया था सीखने के लिए, तो जिज्ञासा तो थी। लेकिन इन्होंने पहले बता रहे हैं मुझे 4 साल लग जाएंगे और 1,00,000 रुपए लगेंगे, और ये छोटा सा बच्चा को बता रहे 25,000 रुपए और 1 ही साल में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। दरअसल बात क्या गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आया। गुरुजी ने बताया कि सबसे पहली बात, आप पहले से सीखे हुए हो, आपका इस दिमाग में पहले से ओवरलोड है। आपको सीखने में 1 ही साल का वक्त लगता है संगीत, लेकिन जो आपको 4 साल में, इसलिए बोला कि 3 साल आपका ये जो दिमाग में भरम बैठा हुआ है ना, इसको निकालने में 3 साल मुझे वक्त लगे। इसलिए 3 साल निकालने का और 1 साल आपको समझाने का। सीखने में तो 1 ही साल लगते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उसका पूरा ये खाली है, ये पूरा खाली है। इसलिए इसको जो डालेंगे ये फिट हो जाएगा। तो ढेर सारे लोग अपने अनुभव के हिसाब से आते हैं सेट्स ऑफ इंडस्ट्री के भीतर डायमंड बनना, लेकिन कई लोगों को जब बताया जाता है सब आपको ट्रेनिंग में आना है, मीटिंग में आना है, ग्रुप मीटिंग में आना है, किताबें पढ़नी है, तो उनको नींद आता है। पता है सर सीखने का क्या जरूरत है, अपलाइन छोटू सा मिल गया और सेफ शॉप ज्वाइन कर लिया 70 साल का व्यक्ति, 50 साल का व्यक्ति। तो बोलता है देखो ये ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए मेरे, ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए, एक्सपीरियंस है मेरे पास, तू क्या समझाएगा, चल हम तुम्हें समझाते हैं। मेरे भाई साहब, बाल पका है कि नहीं पका है, वो एक्सपीरियंस हो सकता आपके अपने फील्ड का हो, लेकिन सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग के भीतर एक्सपीरियंस आपके पास, आज आपने शुरुआत किया। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति को अगर डायमंड बनना है तो जो भी आपको मैंने फील्ड दिखाया उस गुण को, आप डॉक्टर हैं तो अपने क्षेत्र में पूरा मेहनत करिए, लेकिन सेफ शॉप का सिस्टम में डायमंड बनना है तो सेफ शॉप का गुण, सेफ शॉप की एक्टिविटीज को फॉलो करना पड़ेगा। मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा ये एक्टिविटीज हैं क्या। नेक्स्ट, सफल होना और सफल होते रहना। लिखा गया है ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज, हमेशा सीखते रहने की आदत, हमेशा सीखते रहना, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना, हमेशा अपने आप को चेंज करना। तो हमने यहाँ पे लिखा है सफल होना, अब समझेंगे सिल्वर, अब मुझे सीखने की जरूरत क्या। साहब मैं तो बन गया गोल्ड, मुझे सीखने की जरूरत क्या। साहब मैं तो बन गया एमराल्ड, मुझे सीखने की जरूरत क्या। सर मैं तो बन गया डायमंड, अब मुझे सीखने की जरूरत क्या। एक होता है सफल होना, मतलब आप लेवल को हासिल किए और आपको ऐसा महसूस हो गया मैं सफल हो गया, तो क्या हो गया, आप रुक जाएंगे, सफल हो गए, अब पढ़ने की जरूरत क्या, 10,000 की टीम बन गई, 5,000 की टीम बन गई, 50 की टीम बन गई, सीखने की जरूरत क्या। और एक होता है सफल होते रहना, जो व्यक्ति ब्रॉन्ज बना है वो सिल्वर के लिए सीखेगा कैसे 50 लोग की टीम बनेगी, वो व्यक्ति जो सिल्वर बन गया वो गोल्ड के लिए सीखेगा, जो व्यक्ति आज एमराल्ड है वो रूबी के लिए कैसे रूबी बना जाएगा, उसके लिए वो प्रेरित कर रहा है, सीख रहा है, जो व्यक्ति डायमंड है वो डबल डायमंड के लिए, जो ट्रिपल डायमंड है। आज देखेंगे कि आज माधव सिंह जी, मैं चाहूंगा माधव सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, आज हमारे यूनिवर्सल क्राउन एंबेसडर, आज भी वो लगातार सीखते हैं दोस्तों, सीखते हैं। अमिताभ बच्चन साहब इतने बड़े बिग स्टार होने के बावजूद भी आज वो सीखते हैं। रतन टाटा साहब आज इतने हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं, आज भी वो किसी के साथ, बच्चों के साथ बैठते हैं तो लैपटॉप कुछ ना कुछ हमेशा वो सीखते रहते हैं। सारे लोग सीखने में बिजी है दोस्तों। कहा गया कि एक सफल होना और एक सफल होते रहना, मतलब होता है कि एक स्टार बनना और एक स्टार बने रहना। ढेर सारे आप देखे होंगे, कई लोग बहुत पैसा वाला था लेकिन क्या था, वो सफल तो हो गया लेकिन वो अपने आप को चेंज नहीं किया, हमेशा सीखने की आदत नहीं डाला, गुण नहीं डाला, वो आने वाला समय में वो धीरे धीरे वहीं पे वहीं रुकता चला गया, नीचे चला गया। और एक होता है सफल होते रहना, मतलब आज इतनी बड़ी ये सफलता हासिल की, दूसरा ये सफलता हासिल करेंगे, तीसरा, मतलब रुकता नहीं है वो व्यक्ति। इसलिए कहा गया कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान, दोनों सड़ जाते हैं। ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। अगर आपके पास सीखने का ढेर सारे रास्ते हैं,
लोगों के पास ढेर सारे बहाने होते हैं, लेकिन हमारे पास ढेर सारे रास्ते हैं सीखने का। विश्वास मानिए, अगर सेफ शॉप इंडस्ट्री के भीतर आपको डायमंड बनना है तो 8 स्टेप का ट्रेनिंग होता है जो कि फ्राइडे का लगातार, उसमें आप सीख सकते हैं, सेमिनार में आकर सीख सकते हैं कि किस तरीके से लोग प्लान प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उसका वोकल पावर है, किस तरीके से लोग प्रेजेंटेशन को दमदारी से प्रेजेंट करते हैं। कोड ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ढेर सारी चीज। अगर आपको सेफ शॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भीतर डायमंड बनना है, कोर क्या महत्व होता है वो सिखाया जाता है। एक कोर ही डायमंड होता है। जो व्यक्ति कोर बन जाता है, जो जिम्मेदारी ले लेता है सीखने का, कोर बनने का, वो डायमंड भी 100% बनता है। एलडीपी जैसे लीडर्स डेवलपमेंटिंग, एलडीपी बड़े बड़े आपको जब बड़े लेवल पे जाएंगे तो एलडीपी होना शुरू हो जाएगा। एक एसएससी होता है, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, इसमें लोग आके सीखते हैं। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, उसमें लोग आके सीखना चाहिए। बहुत सारे ढेर सारे रास्ते हैं सीखने के लिए, आपके पास बुक्स है। आज का एलडीपी ना हो रहा हो, सक्सेस प्रीव्यू ना हो रहा हो, आज आपके पास बुक है ढेर सारे, आप किताब घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के फिल्म में बिजी होते हैं, फालतू चीज फेसबुक में बिजी होते हैं, कहाँ पे कितना कोरोना फैल गया उस चीज में बिजी होते हैं। मेरे दोस्त, बुक्स पढ़ने से आपका ये नॉलेज डेवलप होगा। और कहते हैं रोकड़ा कमाना है ना, रोकड़ा इसको बढ़ाना चाहिए। अगर आप गर्दन से नीचे बढ़ाएंगे, हम गर्दन से नीचे खर्च करते हैं मीट खाने में, मछली खाने में, चिकन खाने में, दूध दही फल फ्रूट, लेकिन यहाँ से खर्च करने पे क्या बीमारी होने वाला है, शुगर का बीमारी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, गैस का प्रॉब्लम होगा। इस पे खर्च करते हैं, लेकिन जिस दिन आप इस पे खर्च करना शुरू कर दिए, सीखने का गुण डेवलप करना शुरू कर दिए, तो कहते हैं रोकड़ा कमाना है तो इसको बढ़ाओ, ना कि बॉडी ना पेट, इसको नॉलेज। दोस्तों, इस बिजनेस में आप अपने अपलायंस से ढेर सारी चीज को सीख सकते हैं, अपने ग्रो लाइन से सीख सकते हैं कि आज हमारा ग्रो लाइन किस तरीके से बातचीत करता है, किस तरीके से डीडी निकालता है, किस तरीके से प्रेजेंट करता है प्लान को। सीखने का ढेर सारे हमारे पास रास्ता है। डायमंड शिप जाकर आप देख सकते हैं कि डायमंड शिप में कितने सारे वहां पे बड़े बड़े दिग्गज लीडर पहुंचते हैं, उनसे सीख सकते हैं। डिजिटल वेबिनार के माध्यम से सीखने का मौका दे रही है हमारी सेफ शॉप, हमारी सिस्टम, हमारे अपलाइन ने, वहां भी सीखने का मौका है। मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, रात में मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के आप सीख सकते हैं। सीखने का मेरे पास ढेर सारे रास्ते हैं, हजारों रास्ते, लेकिन मैं कुछ ही रास्ता बताऊंगा। दोस्तों, ना सीखने का बहाना लोगों के पास 1000 होता है, उनको लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन आपको जिंदगी में किसी क्षेत्र में जाना है ना, और सीखना पड़ेगा, इस बात को याद रख ले। और सीखने का जिस दिन गुण डाल लिए ना अपने आप को, दुनिया में आप किसी चीज को हासिल कर सकते हैं, दुनिया का किसी भी क्षेत्र में आप हासिल कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एक स्लाइड के माध्यम से और शेयर करना चाहूंगा। नेक्स्ट, दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति शेरपा तेनजिंग नोर्गे, जो कि नेपाल के, उन्होंने 19 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया। मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये व्यक्ति नेपाल के थे, शेरपा साहब जी, और 1935 में नेपाल के नीचे जो भी माउंट एवरेस्ट करने आते थे, उनके पहाड़ पे चढ़ने के लिए वो बैग लेके होते हैं ना, बैग बैग चढ़ा के कोई आया है टूरिस्ट या चढ़ने वाला, उसका बैग बैग लेके चढ़ाया करते थे। तो था क्या, सारे लोग चढ़ते थे, इनको एक दिन अचानक दिल में ये आ गया कि मैं भी क्यों ना चढ़ू, मैं भी क्यों ना चढ़ के देखता हूँ, दूसरे का बैग पहुंचाता हूँ। ऐसे जो भी जिसके साथ जा रहे थे, वो भी कोई नहीं पहुंच पा रहा था, आधे रास्ते से लौट के चला आ रहा, आधे रास्ते से लौट के चला आ रहा। ध्यान से समझेंगे, 1935 में इनके दिमाग में ख्याल आया, बोला करना चाहिए। और हुआ क्या, ये शेरपा साहब ने शुरुआत किया 1935 में, और गए चढ़े और आधे रास्ते से घूम के चले आए। 1935 में हो गए फेल। 1936 में फिर से कोशिश किया, सीखा, फिर से ट्राई किया। 1936 में हो गए फेल। 1937 में फिर ट्राई किया, सीख के, फिर हो गए फेल। 1938 में फिर हो गए फेल। 1939 में फिर हो गए फेल। 1940 में फिर हो गए फेल। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 52 और 53 आते ही 1953 में 19 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट का सफर तय करने वाला पूरे वर्ल्ड के पहले व्यक्ति बन गए, पूरे वर्ल्ड के पहले व्यक्ति बन गए, पूरे वर्ल्ड के। ये जानना चाहेंगे क्यों, ये 18 बार फेल होने के बावजूद भी कोशिश नहीं छोड़ा, और जब भी ये नीचे हार के आता था ना, तो हमेशा प्रैक्टिस करता था और एक ही बार पहाड़ को देखता था, बोला ये पर्वत, मैं एक दिन तुझे सफर जरूर पहुंच के दिखाऊंगा, तेरे चोटी पे तो पहुंच के पक्का दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सारा, एक ने एक दिन पहुंच जरूर जाऊंगा, क्योंकि तू पर्वत है, तू पत्थर है, तेरे अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता, तेरे अंदर चेंजिंग नहीं हो सकता, लेकिन मैं इंसान,
मेरे अंदर परिवर्तन हो सकता है, मेरे अंदर मैं, मेरे अंदर सीखने का ताकत है, मेरे अंदर हौसला है जीतने का, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा। एक व्यक्ति डिसीजन लेने के बाद दो चार दस बंदे ने मना किया, 20 व्यक्ति ने मना किया, काहे का ट्रेनिंग में आएंगे, क्यों सेमिनार में आएंगे, अपलाइन को फोन क्यों उठाएंगे, क्यों सीखने आएंगे। लेकिन एक व्यक्ति, दस कोई व्यक्ति जब आता है सेफ शॉप में, जिसके पास सीखने का गुण होता है, जो डेवलप कर लेता है, वो डायमंड तक सफर तय कर सकता है। इन्होंने 18 बार फेल होने के बाद इन्होंने बताया कि मैं 18 बार फेल नहीं हुआ, 18 बार मैंने सीखा, सीखने का गुण डाला और 18वें बार में मैंने सफल हो गया। चाहते थे भी रुक सकते थे, यार इतने बार प्रैक्टिस किए कुछ हुआ ही नहीं। ये दुनिया का पहले व्यक्ति है नेपाल के, हैं जो इतिहास क्रिएट कर दिया। तो सीख के एक व्यक्ति जब माउंट एवरेस्ट को तय कर सकता है, तो क्या डायमंड बनना, क्या सीख के हम डायमंड नहीं बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं मेरे दोस्त, बस सीखने की गुण डालना है। एक स्लाइड हम और शेयर करना चाहेंगे, नेक्स्ट। ये देख सकते हैं अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट फीमेल अवार्ड क्लिप द माउंट एवरेस्ट। तो था क्या, सारे लोगों के दिमाग में भ्रम आ गया कि लोग सिर्फ जेंसी पहुंचते हैं। तो था क्या, एक बार एक ट्रेन में सफर कर रही थी, ट्रेन में सफर करने के बाद कुछ चोर बदमाश ने इनके चेन छीनने के चक्कर में ट्रेन से गिर गई, और गिरने के बाद 48 घंटे तक पटरी पे पड़ी रही, मांस इसके कुतर रहे थे चूहे, ढेर सारे इसके लोग आए, मीडिया वाले आए, हॉस्पिटल से आए, इनको भर्ती किया गया और ढेर सारे इनके बारे में गलत अफवाह उठा दिए कि कुछ इनका करेक्टर सही नहीं था, कुछ ये वो था, लेकिन ये पहले से खिलाड़ी थी, स्पोर्ट्समैन थी। तो था क्या, इनके पांव एक कट गए, काटना पड़ा, और दूसरे पांव में स्टील लगाया गया। इनसे पूछा गया कि आप बच जाओगे क्या करना चाहोगे, अगर बच गए तो क्या करना चाहोगे। तो बोला, अगर मैं, मुझे भगवान ने, ऊपर वाले ने बचाया है, मैं जरूर जिंदगी में कुछ ना कुछ इतिहास बनाऊंगा, मैं माउंट एवरेस्ट सफर तय करूंगा। तो वहां के लोग ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि आप अगर ऐसा सोचे हो तो पक्का आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं इनके दिमाग में ख्याल आया कि चलो टांग कट गए और घर में रेस्ट करना चाहिए, अब अपने माँ बाप का बोझ बन जाना चाहिए। इन्होंने किया क्या, ये सोचा दिमाग में। और क्या लगता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले इन्होंने प्रैक्टिस किया होगा कि नहीं किया होगा, सीखा होगा कि नहीं सीखा होगा? ऐसे ही बेड से उठे और चल दिए, ढोला कमंडल लेके चलो पर्वत की सफर पे तय कर जाएंगे और चढ़ जाएंगे, ऐसा हुआ होगा ना? नहीं। और अपने अपलायन के पास पहुंचे, इन्होंने भी अपलायन के पास गए जो माउंट एवरेस्ट का तय कराते थे, जिनको सफर का रास्ता पता था, जो कोच थे, उनके पास पहुंचने के बाद बताए वसुंधरा पाल जी के पास। वसुंधरा पाल जी को बोला, मैम मैं, मेरी एक टांगे नहीं है लेकिन मेरी सोच बहुत बड़ी है, मैं माउंट एवरेस्ट पे सफर तय करना चाहती हूँ। बोला, तूने अगर ऐसा डिसीजन लिया है तो 100 में 90% तूने पहले ही सफर तय करना, 10% तो प्रोसेस है। और प्रैक्टिस करना शुरू की, सीखना शुरू की, सीखने का गुल डेवलप किया, पांव नहीं रहने के बावजूद भी एक प्रैक्टिस करने के बाद खून निकलते थे, फिर पट्टी बांधते थे, फिर सीखते थे, और सीखते, और एक वक्त माउंट एवरेस्ट पे सफर तय करके झंडा भी बुलंद कर दिया। दोस्तों, सीख के एक लड़की का पांव नहीं होने के बावजूद भी सीखने का गुण ऐसा डेवलप कर ली जो पर्वत पहाड़ पे सफर तय करके दिखाई। ये हमारे भारत के अरुणिमा सिन्हा जी थे। तो मेरा कहने का मकसद ये था दोस्तों कि एक व्यक्ति, छोटा सा नेपाल का व्यक्ति, जो वर्ल्ड में इतिहास क्रिएट कर देता है, एक इंडिया का, एक हमारी फीमेल लड़की पांव नहीं रहने के बावजूद भी अपने आप को जुनून के साथ सीखी और माउंट एवरेस्ट तय कर सकती है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी स्लाइड दिखाएंगे जो आपके पांव के जमीन से खिसक जाएगा। दोस्तों, ये तो सारे लोग, आप हो सकते हैं इनको स्लाइड में देखे होंगे, लेकिन आज बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है। जिस सिटी से मैं हूं, जिस बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से मैं हूं, आज मैं उसका एक कहानी जरूर शेयर करना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड, ये देख सकते हैं कि IAS ऑफिसर रविंद्र कुमार बिहार राज्य के बेगूसराय जिले से चिड़िया बड़प्यारपुर बसी जान रहे होंगे प्रखंड के लाल माउंट एवरेस्ट का तय सफर करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। मैं इनके बारे जरूर एक चीज शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, इनका बहुत दमदार, बहुत इनके जानकारी हासिल हुई है और इनके बारे में जानता भी हूँ। हमारे दोस्त इनका इंटरव्यू भी लिया था एक मीडिया से और मुझे बाद में पता चला, और बाद में पता चलने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि आज हमारे बेगूसराय की धरती पे ऐसे भी लोग हैं जो इतिहास पूरे वर्ल्ड में क्रिएट कर चुके हैं, इतिहास पूरे वर्ल्ड में। मैं बताने की कोशिश ये करूंगा दोस्तों कि बेगूसराय के नवोदय स्कूल से इन्होंने 10th किया, नवोदय स्कूल से, ये बसी गाँव के हैं, ध्यान देंगे थोड़ा, और बेगूसराय के नवोदय स्कूल से इन्होंने पढ़ाई किया, लेकिन रांची चले गए, रांची से 12th किए और 1999 में
आईटीआई का भी पास करके 2002 में ये चले गए बंबई। इनको मर्जी कुछ और था, इन्होंने आईटीआई का पास करने के बावजूद भी 2002 में ये बंबई चले गए। ये बंबई जाने के बाद एक होता है ट्रेनिंग का शुरुआत करते हैं, शिरपा एक ट्रेनिंग है उसमें चले गए। लेकिन क्या था, इन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ नौकरियां करना शुरू कर दी। नौकरी करने के बाद इन्होंने एक पंथम और मरीन सर्विस में जॉब करने की शुरुआत कर दी है 2002 से लेकर 2009 तक। 2009 तक इन्होंने नौकरी किया, लेकिन इनको समझ में नहीं आया यार ये नौकरी कुछ हो नहीं रहा है यार, कुछ करना चाहिए। इन्होंने चले गए नौकरी पूरी छोड़ के दिल्ली और आईएएस की तैयारी शुरू। दोस्तों आईएएस की पढ़ाई शुरू कर दिए घमासान, सीखने में लगा दिए मेहनत, ताकत झोंक दिए और 2011 में इनकी सिलेक्शन हो गई आईएएस में इनकी सिलेक्शन हो गई 2011 में। लेकिन इनका जो था पहले से ये माउंट एवरेस्ट का ये ट्रेनिंग भी कर चुके थे, इनके दिमाग में चीज और ख्याल आया कि चलो अब तो आईएएस में बनी गया हूं, चलो क्यों ना ट्राई करना चाहिए। दोस्तों बताते हुए बड़ी प्राउड की बात है कि 23 मई 2013 में आज पूरे हिंदुस्तान के भीतर पहले आईएएस ऑफिसर हैं जो माउंट एवरेस्ट तय किया। ये चाहते तो उधर मैट्रिक करके नौकरी कर लेते, चाहते तो रांची में पढ़ाई कर लिए थे 12th में उधर नौकरी कर लेते, चाहते तो उधर आईटीआई करके कहीं एग्जाम पास करके नौकरी कर रहे थे। लेकिन इन्होंने किया, कोशिश किया, पढ़ाई पे किया, मेहनत किया, सीखने की गुण डाला और देख सकते हैं 2013 में एक बार नहीं, मैं तो यहाँ स्लाइड पे नहीं लिखा हूं दोस्तों, एक बार नहीं दो बार माउंट एवरेस्ट सफर तय करने वाले हिंदुस्तान के पहले आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार अपने बेगूसराय चिड़िया बरियारपुर के। ये प्राउड की बात है दोस्तों, एक व्यक्ति सीख कर एक गांव से आईएएस ऑफिसर बन सकता है, माउंट एवरेस्ट दो बार सफर तय कर सकता है। जब माउंट एवरेस्ट सफर तय करने के बाद इन्होंने ट्वीट करके सीएम को अपने राष्ट्रपति को मैसेज दिया तो दोस्तों आज इनके ढेर सारे रिवार्ड भी मिले हैं, LLB रिवार्ड जो कि 2014 में मिला, आपको खेल सम्मान का रत्न अवार्ड मिला है, इनको ढेर सारे अवार्ड मिला, एक काशी रत्न अवार्ड जो कि गवर्नमेंट राष्ट्रपति से भी मिला। आप देख सकते हैं एक स्लाइड नेक्स्ट करेंगे, ये देख सकते हैं ये हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, उनके जरिए आज इनको अवार्ड मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जरिए इनको अवार्ड मिला। तो ये कैसे मिला दोस्तों, ये चाहते थे आईएएस ऑफिसर थे और इनकी पोस्टिंग अभी करंट यूपी में है। दोस्तों ये सारा का सारा जो भी इनको रिवार्ड मिला, रत्न अवार्ड से इनको नवाजा गया दोस्तों, सीखने का गुण हमने पहले बताया था, एक होता है सफल होना, एक होता है सफल होते रहना, एक होता है स्टार बनना, एक होता है स्टार बने रहना। दोस्तों चाहते थे आईएएस ऑफिसर बन गए थे, बढ़िया कोई लफड़ा पंगा था नहीं, डीएम साहब तो थे ही, आगे पीछे गाड़ी चली रही थी, पंगा लेने की क्या जरूरत थी, सीखने की क्या जरूरत थी। लेकिन दोस्त आज हिंदुस्तान में एक झंडा बुलंद कर दिया अपने नाम का, कभी भी इतिहास में इनका नाम ऐसे लिखा गया ही है, लेकिन एक मिसाल बन गए। तो एक सीखने वाला व्यक्ति छोटे से गांव से निकलकर ढेर सारे उन्होंने पढ़ाई किया, मेहनत किया, नौकरी भी किया, नौकरी छोड़ा, फिर से डेवलप किया, इसको डेवलप किया, अंदर से भरोसा को पावर मजबूत किया और सीखने के बाद आईएएस ऑफिसर बन गया। दोस्तों मेरे कहने का मकसद यही था दोस्तों कि अगर आप सीखने के बाद जहां पे एक व्यक्ति देख सकते हैं आज ढेर सारे लोग इस पैनल पे भी हैं, कोई एमराल्ड है, कोई रूबी है, कोई डायमंड है, कोई ढेर सारे आज अंडा बेचने वाला डायमंड, कोई यहाँ पे सब्जी बेचने वाला डायमंड, कोई यहाँ से डीएम डायमंड, कोई यहाँ से दरोगा डायमंड, ये कैसे हो पाया, ये सारा का सारा जो है सीखने का गुण डेवलप किया। दोस्तों हम तो इतना ही कहेंगे, जो भी आप अपने आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अगर सेफ शॉप में सफल होना चाहते हैं तो अपना एक्सपीरियंस को क्या करें, अपने दिमाग में लगाएं। बैंक का सेक्टर का लोग हैं तो बैंक में दिमाग लगाएं, रेलवे का डिपार्टमेंट कहें तो बैंक में लगाएं। लेकिन क्या है ना, वहां पे भी आपको रेलवे में नौकर पैसा ज्यादा कमाना है, एक ही बैंक में ढेर सारे स्टाफ होते हैं, कोई प्यून होता है, ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन क्या है, एजुकेशन के दम पे, सीखने का दम पे किसी का सैलरी 5,000 होता है, किसी का 10,000 होता है, किसी 50,000 होता है, किसी बंद, उस दिन आपकी सफलता बंद। सीखने का गुण डालें और नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। आज मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं शेयर करने का मुझे मौका मिला और मैं ये स्लाइड पहली बार शेयर कर पाया। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूंगा कि सेफ शॉप इंडस्ट्री के भीतर क्या, आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री के भीतर सफल होना चाहते हैं तो सीखने का गुण आपको अंदर में डालना ही पड़ेगा। लेकिन सेफ शॉप के भीतर अगर आपको सफल होना है, डायमंड बनना है, तो आपको किससे सीखना चाहिए, एक डायमंड से, एक रूबी से, एक एमराल्ड से, एक डबल डायमंड से, जो ऑलरेडी डायमंड है, जो सफल है, उनसे सीखना ही पड़ेगा। सक्सेस सिस्टम के तरफ से ढेर सारे एजुकेशन है,
उसको सीखना पड़ेगा। कई लोग सीखने में कहता साहब हमको नींद आ रहे हैं, सर हम सर 12 बजे तक जग नहीं सकते, सर हम सुबह 6 बजे नहीं आ सकते। तो मेरे भाई अगर आप सुबह 6 बजे नहीं आ सकते, विश्वास मानिए अगर आप नहीं सीख सकते तो आप सफल भी नहीं हो सकते। आपको सफल होने का भी हक नहीं है। अगर आप सीखने का हक नहीं रख सकते, सीखने का हौसला नहीं बुलंद कर सकते, तो सफल होने का भी बुलंद नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।